आज की जो रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं वो है खजूर और गुड़ और इमली, उसकी जो है चटनी बनाएंगे मीठी वाली। और रमज़ान आ रहे हैं तो इस जो है खजूर की, तो इसमें मैंने जो है इमली रख दी है। ऐसे ही करीब 50 ग्राम के करीब इमली है, आधा किलो गुड़ है, और इसमें जो है मैं ऐसे ही इसे 8-10 खजूर इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और 1 कप पानी डाल के इसे भिगो के रख देना है मुझे, और कम से कम मुझे 1 घंटा भिगोंगी मैं। 1 घंटा भिगोने के बाद फिर मैं इसे दिखाती हूँ। गुड़ और इमली को हमने 1 घंटे भिगो के रखा, और फिर इसे मैंने करीब 10 मिनट फिर गैस के फ्लेम पे जो है रख दिया था, तो ये पका है थोड़ी देर। तो इसमें गुड़, इमली और खजूर और सब चीज़ें जो है खूब अच्छी से मिक्स हो गई है, और इसे जो है थोड़ा मुझे हाथों से इसे जो है फसल के और इसकी जो है ये जो है इमली को निकाल देना है, और चिया अलग रख दूँगी। जो इमली के चिया होते हैं वो अलग सेट हो जाएंगे। तो अभी मैं इसका ठंडा होने का इंतज़ार कर रही हूँ, और फिर मैं इसको निकालती हूँ, फिर इसके मैं इसे सेट करती हूँ। ठंडी हो गई है ये, और इसको जो है मैंने हाथ से ही इसे मसलना है खूब अच्छी तरीके से। खजूर की मीठी चटनी बना रहे हैं, खजूर और इसमें इमली मिलाई है और थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर दिया था। तो देखिए ये अच्छा सा खुल गया है, और इसे मैंने थोड़ा सा पकाने भी रखा था, तो ये देखिए बिल्कुल वो हो गई है, और मीठी चटनी हमारी तैयार हो रही है। तो मैं सारा इसको इसी तरीके से निकाल के रख लेती हूँ। निकालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से छान लेंगे, छन्ने से छान लेंगे दूसरे भगोने में, फिर मसाले ऐड करके दिखाते हैं। मैंने एक भगोना ले लिया है, और उस पर एक बड़ा सा छन्ना रख रही हूँ, और इसमें मैं छानती चली जाऊंगी इसे, और इस तरीके से हम इसे चम्मच से छानते चले जाएंगे, जो उसका मोटा मोटा है वो ऊपर को आ जाएगा। आराम से छन रहा है खजूर की मीठी चटनी बन रही है, थोड़ी सी खट्टी भी होगी। सोल्ट बनाने के लिए जो है हम क्या भाई इसको जो है मैंने छान लिया है, और देखिए कितनी अच्छी तरीके से बिल्कुल सही उससे आ गया है छन के, बढ़िया सा ये देखिए बढ़िया सा छन के आ चुका है। अब मैं जो इसमें मसाले लूँगी, तो इसके लिए जो मैंने लिया है ये सोल्ट है, सोल्ट पाउडर लिया है, जिंजर पाउडर, अदरक का पाउडर जो होता है वो ले लिया है 2 चम्मच भर के, 1 चम्मच भर के मैंने काला नमक लिया है, और 1 चम्मच से कम थोड़ा मैंने गर्म मसाला लिया। गर्म मसाला में हमारे यहाँ ज़्यादा तेज़ी वाला गर्म मसाला है, तो इसलिए हमने 1 चम्मच से कम लिया है। और ये मिर्चें ली हैं मैंने कुटी हुई मिर्चें, ये है मेरे पास मैंने ली है 1 चम्मच भर के। तो ये सारे मसाले इसमें मैं ऐड कर रही हूँ खूब अच्छे तरीके से इसे चला लेंगे। गैस का फ्लेम जो है ऑन कर दिया है, गैस फुल फ्लेम पे ही मैंने रखी है, क्योंकि इसको जो है पकाना भी है खूब अच्छे तरीके से। कम से कम 2 उबाल लेकर आएंगे इसमें। चटनी वैसे भी अच्छी सी है, गाढ़ी बनी हुई है, और ये देखिए मीठी चटनी, ये खजूर वाली चटनी कहलाती है मीठी। इसमें हमें थोड़ी कोई भी चटनी होती है उसमें थोड़ा सा खटास डालना ज़रूरी है, तो थोड़ी खट्टा उसमें इमली भी ऐड कर दी है। देखिए कितनी बढ़िया सा बन के आ रही है, खजूर वाली मीठी चटनी तैयार हो गई है। खूब अच्छे से उबाले आ गए हैं, इसमें 2-3 उबाले आ चुके हैं। अब मैं गैस के फ्लेम को करती हूँ ऑफ, बनके तैयार हो गई है, इसे मैं निकाल रही हूँ। वो बढ़िया सी खुशबू के साथ तैयार होके आई है खजूर की मीठी चटनी, तैयार हो गई है, और देखिए कितनी अच्छी सी बढ़िया सी लग रही है, और बहुत ही खुशबू के साथ बहुत खुशबू आ रही है, क्योंकि इसमें जब जो है जिंजर जो डालते हैं ड्राई जिंजर है वो इसमें ऐड करते हैं, तो उसकी खुशबू बहुत आती है, और काला नमक, गरम मसाला, और साथ में ये हमने कुटी हुई मिर्चें
जो ली है वो है। और देखिए कितना अच्छा सा इसका बन के आया है, और फ्रिज में रखने से और गाढ़ी हो जाएगी बढ़िया सा। तो मीठी चटनी हमारी तैयार हो गई, रेडी हो गई है। आप लोग भी बनाइए मेरे स्टाइल से, और देखिए कितनी आसानी से मैंने बनाना बनाया है, कोई ज़्यादा झंझट वाले मसाले नहीं है। और आप लोग भी बनाइए, और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसको ट्राई भी कीजिए। देखिए बहुत आसान इजी भी बनाइए और बहुत जल्दी बन गई है, तो बनाइए। ये सही लग रहा था ये वाला, ये इसके आगे हाँ ये बोला बोल रखती है दूसरा। अभी इसमें मसाले पड़ेंगे और अभी शक्कर डालूंगी, क्योंकि पिछली बार शक्कर का सब दिखाई ना, अब इसमें शक्कर डाल के ऐसे वो कर दिए। हाँ अब अपना फोटो खींचो, क्या करना है अभी, रुको मैं हाथ धोऊं पहले अपना। अच्छा मेरा हाथ धो लेता हूं, मैंने तैयार है।